अंडे तो आपने बहुत तरीकों से बनाए होंगे। आज मैं आपके लिए अंडे की एक ऐसी खास रेसिपी लाई हूँ जो आपको बेहद पसंद आएगी, बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगी। घर की ही बेसिक चीज़ों से हम इसे बनाएंगे, बट इसका टेस्ट कमाल का है। सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का वेलकम है पूनम कौर रेसिपीज में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की रेसिपी को बनाना चलिए हम शुरू कर दें। तो दोस्तों, आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल ले लिया है, उसमें हम डालेंगे एक एग और उसके बाद हम उसमें डालेंगे एक कप दूध। आप कोई भी बर्तन सेट कर लीजिए जिससे आप सभी को मेजरमेंट करेंगे। मैंने यहाँ पर एक कप दूध लिया है जो कि रूम टेम्परेचर पे था। आपके घर में आप जो भी दूध इस्तेमाल करते हो इस रेसिपी में उसका आप यूज़ कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ें मैंने आज इस्तेमाल की हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का मेजरमेंट दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब दूध और एग को हमने बहुत अच्छी तरह से फेंट कर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 3/4 कप मैदा, यानी कि 3/4 कप मैदा। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक या फिर स्वाद के अनुसार नमक और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसे बढ़िया से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा, इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी ना हो, एकदम स्मूथ सा इसका टेक्सचर बनकर तैयार हो जाए। ये देखिए, आप जितनी भी चीज़ें मैंने मेजरमेंट के हिसाब से बताई है आप उन्हीं का यूज़ करके इसे बनाइएगा, ताकि जो है हमारा जो ये घोल है बिल्कुल परफेक्ट बन सके। अब इसे हमने मिक्स कर लिया, इसे हम साइड में रख लेते हैं। अब एक दूसरा मिक्सचर बनाएंगे, तो उस मिक्सचर को बनाने के लिए एक बर्तन में हमने 2 अंडे ले लिए हैं। उसमें हम डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज, उसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक छोटा सा टमाटर ले लिया था, उसे भी बारीक टुकड़ों में काट लिया है। प्याज भी मैंने छोटा वाला इस्तेमाल किया था, आप यहाँ पर बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर डाला है काफ़ी सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। साथ ही में हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले, तो आधा छोटा चम्मच नमक, 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। मैं यहाँ पर जो सूखे मसाले हैं ना उनका इस्तेमाल थोड़ा सा कम कर रही हूँ, क्योंकि हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सेजवान चटनी। सेजवान चटनी में काफ़ी ज़्यादा स्पाइसेस होते हैं, इसीलिए मैंने सूखे मसाले थोड़े से कम डाले हैं। अगर आप सेजवान चटनी का इस्तेमाल करेंगे तो सूखे मसाले थोड़े से कम डालिएगा, अगर आप नहीं करेंगे तो सूखे मसालों की क्वांटिटी आप थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। और अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से फेंट कर हम रेडी कर लेंगे बढ़िया से। तो ये देखिए, हमारे जो दोनों घोल हैं, पहला वाला जो प्लेन क्रेप का घोल था वो भी बन चुका है, और ये जो एग मिक्सचर का घोल है ये भी बनकर बढ़िया से तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम आगे की अपनी रेसिपी की ओर चलते हैं। सबसे पहले आप कोई भी पैन या फिर कोई भी तवा गर्म होने के लिए रख दीजिए। उसके बाद हम उसके ऊपर डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा ही बटर, या आप ऑयल इस्तेमाल करते हो तो ऑयल डाल दें। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें और इस तरह से जो हमने पहला वाला मिक्सचर बनाया था ना, वो हम इस तरह से कलछी की हेल्प से गोल शेप में बिल्कुल इसके ऊपर डालेंगे। साथ ही दोस्तों, आज के नाश्ते को थोड़ा सा और फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर प्रोसेस चीज़ ले ली है, जो मैंने कद्दूकस करके रखी थी। अब हम वो प्रोसेस चीज़ इसके ऊपर डाल देंगे। चीज़ वैसे ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस्तेमाल करें, बट इससे जो है इस नाश्ते का फ्लेवर काफ़ी बढ़ जाता है। तो अब हमने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ ऐड कर ली, या फिर जितना भी आप पसंद करते हो। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिए और ढककर हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद अब हम इसका ढक्कन हटा लेते हैं। तो नीचे साइड से देखिए बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुका है, साथ ही हमने जो चीज़ डाली थी वो भी मेल्ट हो चुकी है। आप देखिए, चेक कर रही हूँ मैं तो, बड़ी आसानी से इसने जो है बर्तन को छोड़ दिया है। अब हम इसके ऊपर एक और लेयर बनाएंगे, तो दूसरी लेयर जो होगी हमारी वो एग मिक्सचर की होगी जो हमने बनाकर तैयार किया था। तो बिल्कुल एक पतली सी लेयर हम इसके ऊपर डालेंगे, चीज़ जो है वो बिल्कुल ही कवर हो जानी चाहिए, और ये जो अंडा है वो भी ऊपर से पूरा कवर हो जाना चाहिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया से पतली सी लेयर आप इसके ऊपर बना दीजिए।
और फिर से हम इसे ढक्कन लगाकर 1 मिनट तक कुक करेंगे। यहाँ पर आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इसे कुक करना है। तो मैं इसे फिर से कवर कर लेती हूँ और 1 से 1.5 मिनट के बाद जब हम इसका ढक्कन हटाएंगे तो ऊपर वाली जो हमारी पतली वाली लेयर है वो भी बढ़िया से कुक हो चुकी है। ये देखिए काफ़ी हद तक वो कुक हो चुकी है। तो अब हम इसे पलट लेते हैं। तो यहाँ पर कलछी की मदद से आप इसे पलट लीजिए। आप चाहें तो इसे छोटी छोटी साइज में भी बना सकते हैं, मर्जी है आपकी। अब ये देखिए दूसरे साइड से भी अब हम इसे कुक करेंगे ताकि जो हमारा एग वाला साइड है वो बिल्कुल बढ़िया से कुक हो जाए। जो हमने टमाटर प्याज यूज़ किए हैं वो भी बिल्कुल परफेक्टली कुक होने चाहिए। तो 1 मिनट के बाद जब आप देखें कि हमें लग रहा है बढ़िया से इसने जो है पैन को छोड़ दिया है, कुक हो चुका है, तो बस अब गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद करेंगे और ये गर्मा गर्म सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। बहुत ही कम समय में 5 से 6 मिनट के अंदर ये बनकर तैयार हो जाता है और इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही कमाल का होता है। तो अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ कि हमें इसे किस तरह से प्लेटिंग करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर इसे टर्न कर लेते हैं। दोनों साइड से आप देखिए कितना बढ़िया सा कुक हो चुका है। जब ये गर्म हो उसी स्टेज पर आप इसे रोल कर लें। ये देखिए बिल्कुल एग रोल जैसा लग रहा है और इसका जो टेस्ट है ना सच में बहुत ही कमाल का है। बाहर से बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर है, अंदर से काफ़ी मसालेदार है। अब हम इसे कट करेंगे और 2 पार्ट्स में इसे सर्व करेंगे। आप इसे टमाटो केचप के साथ सर्व कीजिए, सभी को ये बहुत पसंद आएगा। साथ ही दोस्तों आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ये कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं मिलूंगी। बाय।